जो बिजनेस है वो एक होलसेल का बिजनेस है, बड़े किराना स्टोर्स एसएमईज को दरअसल ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते थे या फिर लार्जली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, और उसी बिजनेस को अब रिलायंस रिटेल ने दरअसल खरीद लिया है। 100% हिस्सा दरअसल रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी में खरीदा है। 2,850 करोड़ में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। अब इसके कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि किस तरह का रेवेन्यू दरअसल मेट्रो कैश एंड कैरी का था। FY22 में करीब 31 बड़े स्टोर्स, 21 शहरों में और 3,500 कर्मचारी, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू था 7,700 करोड़ का था। तो ये पूरा जो है बिजनेस अब रिलायंस रिटेल के जिम्मे आता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी बेसिकली यही कह रही है कि रिलायंस रिटेल का जो फिजिकल स्टोर फुटप्रिंट है वो और भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद। तो ये आज सबसे पहला स्टॉक होगा फोकस में। हैवीवेट दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज खबरों में मेट्रो कैश एंड कैरी का एक्विजिशन किया। सचिन, पिछले कुछ दिनों से वैसे करेक्ट हो रहा है, ऑफ हाईज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल भी दबाव में था हैवीवेट, 1.5% कमजोर, दिन के लोस पे जाके क्लोज हुआ। चार्ट पे कैसा पोजीशन, कहां थमेगा, क्या रणनीति होगी? आशीष जी, यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर नजर आ रही है, बट इमीडिएट बेसिस पे जो एक बेस बनाया इसने 2560 के आसपास, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके नजदीक ही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस है जो लगभग अराउंड 2530 के आसपास है। तो आई थिंक मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पर वेल डिफाइंड है, तो उसके नीचे तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्लिपेजेस नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती भी है तो एक अच्छा मौका होगा वापस एक ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए। एंड जिस तरीके से एक डिक्लाइन हुई है लगभग 2700 के आसपास एक मेजर हर्डल बन चुका है, तो मुझे लग रहा है वो जब तक पार नहीं होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले अनलॉक नहीं होगा रिलायंस में। सो फिलहाल तो लग रहा है एक काफी बड़ी ब्रॉड रेंज यहाँ पर डिफाइंड है, 2700 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट नीचे मुझे लग रहा है 2530 के आसपास एक कमेंडेबल सपोर्ट है जहां पर खरीदारी का मौका मिल सकता है। फिलहाल एक नो ट्रेंड जोन में होगा, एक्सट्रीम से मुझे लग रहा है पोजीशन बनानी चाहिए, फिलहाल इस पर्टिकुलर रेंज के मिड पॉइंट पे प्लेस्ड है, तो इसीलिए नो ट्रेड होगा एज ऑफ नाउ, बट डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज।